छतरपुर में शांतिपूर्वक जुमे की नमाज अदा की गई। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नमाज पढ़ी गई और इलाके में शांति बनी हुई है। पुलिस प्रशासन ने भारी बल तैनात किया हुआ था और ड्रोन से निगरानी की गई। एसपी अगम जैन की माने तो इलाके में शांति व्यवस्था बनी हुई है और नमाज पढ़ी गई। छतरपुर में बुलडोजर एक्शन पर मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस इस कार्रवाई पर सवाल उठा रही है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पीसी शर्मा ने कहा कि पथराव करने वालों का घर गिराना कहां का न्याय है। पुलिस को इस तरह की कार्रवाई का अधिकार नहीं है। थाने पर पथराव हुआ था तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसी का मकान गिरा देना किसी कानून में नहीं लिखा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि थाने पर जो पथराव करेगा उस पर कार्रवाई होगी। अपराधियों में कानून का भय होना जरूरी है। कांग्रेस के लोग ऐसे ही लोगों को संरक्षण देते हैं, ऐसे उपद्रवियों को बिरयानी नहीं खिलाएंगे। किसी ने पत्थरबाजी की हो या कानून को हाथ में लिया हो तो उसके मकान ढा दें, उसकी प्रक्रिया है। उनको उनपे केस चले, FIR हो, जेल भेजा जाए और फिर कोर्ट में से मामले आते हैं। तो उत्तर प्रदेश से लेके सभी जगह जो एक शुरू हुआ है, खासतौर से मॉनिटरी वर्क के खिलाफ, मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पे हमला है, अटैक है। उनको इस बात का समझ लेना चाहिए कि संविधान की रक्षा की जवाबदारी हम सबकी है। थाने में जब घुसकर लोग आगजनी करें, पुलिस वालों के साथ मारपीट करें, गुंडागिर्दी करें और फिर बाद में उनको बिरयानी खिलाएं, तो ये चरित्र कांग्रेस का हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव की सरकार का नहीं हो सकता। थाने में लोग सुरक्षा के लिए जाते हैं, ना कि थाना जलाने के लिए जाते हैं। थाना जलाने के लिए अगर गए तो वो आतंकी उत्पाती हैं, आतंकवादी हैं और इस तरह के वो असामाजिक और प्रदेश को जलाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को संरक्षक कांग्रेस के लोग दे सकते हैं। वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने अपनी पार्टी के नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। कहा कि जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को आगे आना चाहिए, सरकार की मनमानी पर कांग्रेस चुप क्यों है। कांग्रेस की ऐसी नीति की वजह से ही पार्टी का प्रदेश में ये हाल है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी करती, हम सहयोग करते। पुलिस वहां पर इस तरह का माहौल पैदा कर दिया कि जो उससे ज्यादा उपद्रवी से ज्यादा माहौल पुलिस ने खराब कर दिया कि अगर इस तरह हो गया और उसके बाद एक मकान को, दूसरे मकान को टारगेट किया, 20,000 स्क्वायर फीट का बना हुआ मकान जिसकी अनुमति है, बैंक से लोन है, तमाम उसकी परमिशन है, उसको बिना कारण तोड़ दिया। मैं तो कांग्रेस के नेताओं को भी कहूंगा, जीतू पटवारी जी को और उमंग सिंघार को, कि उनको तत्काल आगे आना चाहिए, ये बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ खड़े होना चाहिए। अगली खबर भोपाल से है, जहां वीडी शर्मा का आरिफ मसूद परिवार कानून धर्म जाति देखकर कार्रवाई नहीं करेगा। जो कानून में हाथ मिलेगा उस पर कार्रवाई होगी। यहां धर्म जाति क्षेत्र देखकर कार्रवाई नहीं होती। इमरान आरिफ भी कानून तोड़ेंगे तो कार्रवाई होगी, दबाव में काम नहीं होगा और बड़ी कार्रवाई होगी। कानून कानून के तरह से काम करेगा। अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, यहाँ ही वेरिएशन नहीं होता है कि वो इस धर्म का है तो उसके खिलाफ एक काम कार्रवाई होगी और इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने कानून को हाथ में लिया, दहशत फैलाने का प्रयास किया, तो ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और अगर प्रतापगढ़ी भी कानून हाथ में लेंगे या आरिफ मसूद भी कानून हाथ में लेंगे तो उनको भी ठीक करने में देर नहीं लगेगी। इस राजनीति के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कानून का जो उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। छतरपुर में सबसे बड़ी कार्रवाई तो शिक्षा की महत्ता उनने 5,000 सेले भी पहले भी बताई, इससे अच्छा सौभाग्यशाली अवसर कब रहेगा। गरीब अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण नारायण धाम पे जहाँ कृष्ण सुदामा की दोस्ती स्थापित हुई,
भगवान का रुक्मी से युद्ध हुआ, ये उनकी वीरता का प्रतीक अगर यहाँ स्थान है तो इसको अगर सबके सामने लाते तो गलत क्या है। इसी प्रकार से भगवान ने विनम्रता से, श्रद्धा से परशुराम जी से सुदर्शन चक्र जाना पाव में प्राप्त किया, तो ये हम सबका सौभाग्य है। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर अगर उनको इन स्थानों को स्मरण नहीं करेंगे, हम मथुरा को क्यों स्मरण करते हैं? आपका नाम श्री कृष्ण का पर्यायवाची है, इसलिए मेरा कहना, हमारा कहना, मथुरा में अगर भगवान राम का, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और जन्माष्टमी के धूमधाम से मनाते, ये कांग्रेस के लोग जाना छोड़ दें मथुरा। अगली खबर रतलाम से है, जहां महापौर प्रहलाद पटेल के बोल बिगड़े हैं। सिविक सेंटर रजिस्ट्री कांड को लेकर भड़क गए महापौर। तात्कालिक कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार को लेकर बोला कि मां ने दूध पिलाया हो तो विधिवत मुझे लेटर भेजे। नगर निगम के जिम्मेदारों ने बेचे हैं सिविक सेंटर के प्लॉट। तात्कालिक कलेक्टर ने कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था। दोषी भाई, ये मेरे को मिला क्या? क्या विधिवत भेजने की हिम्मत है किसी को? मेरे को कोई विधिवत भेजे, मेरे को हिम्मत हो तो कलेक्टर में उस भास्कर को मैं ये से चैलेंज करता हूँ कि उसकी माँ ने उसको दूध पिलाया उस कलेक्टर को, तो मेरे को विधिवत भेजे। दोषी पाया गया क्या? दोषी पाया, ये मेरे को मिला क्या? क्या विधिवत भेजने की हिम्मत है किसी को? मेरे को कोई विधिवत भेजे, मेरे को हिम्मत हो तो कलेक्टर में उस भास्कर को मैं ये से चैलेंज करता हूँ कि उसकी माँ ने उसको दूध पिलाया उस कलेक्टर को, तो मेरे को विधिवत। मध्य प्रदेश में स्थिति भगवान श्री कृष्ण से संबंधित सांदीपनी आश्रम, नारायण धाम, अमझेरा धाम और जानापाव धाम को विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन चार जगहों को विकसित करने की घोषणा की है। ये चारों धाम मध्य प्रदेश के भगवान कृष्ण के उस इतिहास को जीवंत करते हैं जिसके कारण से योगेश्वर श्री कृष्ण की लीला दुनिया में अलग प्रकार से पहचानी गई। आइए हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश के इन धामों को जन्माष्टमी के साथ भी स्मरण करें और जन्माष्टमी के बाद भी सरकार के द्वारा जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं ऐसे स्थान को तीर्थ बनाने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आधुनिक समय में भगवान के इन इतिहास। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। दावा है कि एक परिवार के सदस्य आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में 25 किलो सोना पहनकर पहुंचे। तस्वीरें भी सामने आई हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर मंदिर की अलग ही महिमा है। तिरुमाला में देवता को सोना चढ़ाने की परंपरा भी चली आ रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। तिरुमाला के वेंकटेश्वर मंदिर में मौजूद लोगों की आंखें तब खुली की खुली रह गईं जब एक परिवार के 3 सदस्य भारी भरकम सोना धारण करके मंदिर परिसर में पहुंच गए। महाराष्ट्र से एक परिवार तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर की यात्रा करने पहुंचा। पुणे का ये परिवार 25 किलोग्राम सोना पहनकर यहाँ आया। जी हाँ, सही सुना आपने, सोना इतना कि कोई इसका शौकीन भी होगा तो वो भी शर्मा जाए। वहाँ पर आए श्रद्धालु उन्हें देखकर दंग रह गए, जो लाजमी भी था। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 2 शख्स और 1 महिला है। दोनों पुरुषों ने अपनी गर्दन को सोने की मोटी जंजीर से ढका था। दोनों ने ब्रांडेड धूप का चश्मा भी पहना हुआ है। महिला भी सोने के आभूषण पहनकर आई है, उनके साथ एक बच्चा भी आया है। सोना और सोने से बने हुए आभूषण पहनना हमेशा से भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा रहा है और लोग इसका प्रदर्शन करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। कहा जा रहा है कि गुरुवार को ये परिवार तिरुमाला आया, जिसके बाद परिवार ने मंदिर में दर्शन किए। तिरुमाला मंदिर तीर्थयात्रियों से सोने का प्रसाद प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। इस पवित्र स्थल पर आने वाले श्रद्धालु अक्सर आभूषणों का प्रदर्शन करते हुए भी देखे जाते हैं। भगवान के प्रति श्रद्धा दिखाने के संकेत के रूप में सोना और दूसरी कीमती सामान चढ़ाया जाता है। वेंकटेश्वर के पास बेशकीमती गहने और हीरे हैं। इनकी ख्याति दूर दूर तक फैली है, जिसके चलते यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।